हेलो, माय नेम इज नितिन चंदोला एंड वेलकम टू माय लाइफ पेज। आज हम बात करेंगे टेक्निकल ऑपरेशंस मैनेजमेंट की। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग देहरादून से किया, कॉमन स्कूल से, एंड आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम ग्राफिक यूनिवर्सिटी। एंड फिर मैंने उसके बाद एमटेक की, जो 2019 में कम्प्लीट हुई। प्लस उसके हम साथ साथ ही अपने बायोमेडिकल बेस एक स्टार्टअप भी हमने शुरू किया हेल्थ केयर एंड वेलनेस के ऊपर। इसका नाम सनफॉक्स टेक्नोलॉजीज है। उसे मैंने अपने एक पार्टनर रजत जैन के साथ शुरू किया एंड इसमें हमने अपनी एक डिवाइस डेवलप की जिसका नाम स्पंदन ईसीजी डिवाइस है। प्लस वी एक्चुअली इनोवेट इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द हेल्थ केयर एंड अदर डिपार्टमेंट्स रिगार्डिंग मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो। तो टेक्निकल ऑपरेशंस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप टेक्निकल ऑपरेशंस को मैनेज कैसे करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टीम्स के बीच में एक समन्वय या फिर एक कोऑर्डिनेशन कैसे सेटअप करते हैं, प्लस आप उसमें अपने इनपुट्स कैसे दे पाते हैं। तो टेक्निकल मैनेजमेंट जो सनफॉक्स में हमने अपना अप्लाई किया है वो रिगार्डिंग बायोमेडिकल टेक्नोलॉजीज के ऊपर है। और इसमें हम चेकआउट करते हैं, या मेरा जो बेसिकली काम है वो ये है कि मैं एक कोऑर्डिनेशन बैठाता हूँ सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट और टेक्निकल रिसर्च के बीच में, सो दैट दे कैन लुक आफ्टर व्हाट इज गोइंग ऑन इन द होल टीम इन द होल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ प्रोडक्ट एंड डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर सेंस इन अ पर्टिकुलर डिजाइन प्लानिंग। है बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी। बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी को हमें बहुत इनडेप्थ जानना होता है क्योंकि बॉडीज अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रकार के सिग्नल्स देती है। कई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, कई आपके वेव सिग्नल्स होते हैं, कई फ्रिक्वेंसीज होती हैं। इन सब को, इन सब के बिहेवियर को हमें इसमें जानना पड़ता है, इसके बारे में स्टडी करना पड़ता है। एज यू हैव सीन इन अल्ट्रासाउंड, जैसे ईसीजी हो गया, ईजी में होता है, इसमें हम डिफरेंट काइंड के सिग्नल्स हम ग्रैप करते हैं और इसके फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, फिर उससे हम क्लासिफाई करके डायग्नोसिस करते हैं कि किस आदमी को इस सिग्नल के हिसाब से कैसी प्रॉब्लम है। पहला इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स में सबसे पहली बात है, ये बहुत आज के डिमांड में है मार्केट में, तो इंटरपर्सनल स्किल्स में आपको अपने टीम को अंडरस्टैंड करने की क्षमता होनी चाहिए कि आपकी टीम एक्चुअली डिमांड क्या कर रही है, क्या वो आपके डिसीजन मेकिंग से खुश है या नहीं है, एंड हाउ यू हैव टू एक्चुअली गेट फ्लेक्सिबल थ्रू टू मेक द डिसीजन इनटू योर ओन डिसीजन। तो इस चीज में आपके पास एम्पैथी भी एक चीज होनी चाहिए, आपको लोगों को अंडरस्टैंड करने, उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। एंड कोई आपका टीम हेड या फिर आपका टीम लीड या फिर आपके मैनेजमेंट साइड से कैसे कैसे डिसीजंस हो रहे हैं, इन सब को अंडरस्टैंड करने की आपके पास कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। और सारा आपके इंटरपर्सनल स्किल्स में आता है जो टीम को बाउंड करता है एक टीम के रूप में। फर्स्ट इज डायनेमिक ग्रोथ। मैं जिस पोजिशन पे काम करता हूं अपनी कंपनी में, प्लस मेरी जो पार्टनरशिप है, इसमें एक तो डायनेमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा है क्योंकि एक दिन में 10 काम आपको इस चीज में निपटाने होते हैं। यू डोंट लिव अ मोनोटोनस लाइफ। Sometimes you have to be with your tech team, sometimes you have to live with your management team, sometimes you have to be with your sales and marketing team, and you have your inputs in the all those parts. So ये dynamic life और skills improve करता है। पहला point है client expectations। Client की expectation बहुत ज्यादा होती है। Client actually में हमारे देवता समान होता है, तो we actually make it happen कि client की expectation पे खड़ा किया जाए। But कई बार होता है कि जो आपसे काम करवाने आ रहा होता है उसके पास इतना बजट नहीं होता और उसके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। अगर वो किसी ऐप को, किसी वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस की ऐप को चाह रहा है और विद मिनिमल अमाउंट चाह रहा है, तो वो ऐसा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस मैं फेस करता हूँ। सो आई एक्चुअली वेक अप एट द मॉर्निंग एट 8 o'clock आफ्टर डूइंग वर्क पास इन द लास्ट नाइट आई हैव वर्क टिल 4 o'clock इन द मॉर्निंग। फिर उसके बाद मैं 8 बजे उठ जाता हूँ और उसके बाद 10 बजे के करीब मैं ऑफिस चले जाता हूँ। ऑफिस के बाद मैं सारी लीड्स बनाता हूँ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम बचा हुआ है, स्प्रिंट्स हम तैयार करते हैं कि आज के स्प्रिंट्स क्या क्या हैं सारी, और टीम के साथ एक लिटिल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है जो आधे घंटे का होता है। फिर उसके बाद सबको अपने अपने काम बढ़ जाते हैं एंड सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। एंड आफ्टर डूइंग माई वर्क आई एक्चुअली विजिट टू डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस एंड डिपार्टमेंट्स, जहां पे मैं देखता हूं कि उनकी कहां तक अप्रोच हुई है और उनके लीड्स कहां पे हैं, सो दैट हमें ये भी देखना पड़ता है कि सेल्स एंड मार्केटिंग कहीं इफेक्ट तो नहीं हो रहा है हमारे डिसीजंस की वजह से। नाउ आफ्टर दैट
बाय 4 o'clock आई गेट फ्री फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स जो मैं साइड बाय साइड करते रहता हूँ. बट कई बार ऐसा भी होता है कि डेडलाइन जब हमें मीट करनी पड़ती है, हम सुबह 4 बजे अपने ऑफिस से जाते हैं और लेट नाइट वर्क्स भी करने पड़ते हैं. बट बीच में पर्क्स हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं कि जब हमारी डेडलाइंस मीट होकर काम पूरा हो चुका होता है तो हम पूरी टीम के साथ घूमने जाते हैं मनाली, कुल्लू या फिर इस साइड पे जो नियर नॉर्थ इंडिया है, एंड कई जगह बाहर पे भी हमें अपने को रिप्रेजेंट करने को मिलता है. मुझे लगता है मैंने आपको टेक्निकल ऑपरेशंस मैनेजमेंट का एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है जिससे आप अपना करियर डेवलप कर सकते हैं एंड आगे ओवरव्यू कर सकते हैं कि इसमें आप और कैसे कैसे एडप्ट कर सकते हैं अपने पॉजिटिव्स, अपने नेगेटिव्स, अपने चैलेंजेस, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं. कई चैलेंजेस हैं जो हमने सीख नहीं किए, कई चैलेंजेस हैं जो हमने ही सीख किए या और किसी और ने नहीं किए हैं. तो ये मेरा अपना एक पर्सपेक्टिव था एंड यू कैन मेक योर ओन डिसीजंस बाय योर ओन चॉइसेस. थैंक यू.